अब आप लोग देखो पूरा डेजर्ट है यार आसपास, डेजर्ट के बीच में एक छोटा सा पूल है। ये देखो यहाँ पे बाहर ही सोते हैं ये लोग। हाय, सनराइज, क्या जबरदस्त सनराइज हो रहा है यार। अभी हम लोग हैं 125 मीटर सी लेवल से, ऐसे लग रहा है जैसे किसी अलग ही ग्रह पर आ गए हैं। मतलब ये प्रोसेस होने में मिलियन साल लग जाते हैं, तो यहाँ पे जब भी आते हैं तो थोड़ा केयरफुल रहे। ये आवाज आ रही है जो यहाँ से अंदर से आ रही है, यहाँ पे अंदर ना लावा जल रहा है, सुनाई दे रहा है कुछ। यहाँ पे थोड़ा सा आगे जाना खतरे से खाली नहीं। और ये भाई देखो यहाँ पे गार्ड लाना कंपलसरी है। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द इंडो ट्रेकर। और अभी मैं हूँ दानाकली डिप्रेशन। आप लोगों को पता होगा दुनिया की सबसे हॉटेस्ट जगह दानाकली डिप्रेशन, जो कि इथियोपिया के नॉर्थ पार्ट में सिचुएटेड है। ये मान लो कि जिबूटी के पास में है। तो अभी हम लोग यहाँ पे कल आगे पहुँच गए थे, और अभी हम जहाँ पे है ना, ये मेन जगह है यहाँ की। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्लेस ब्रो? अमडेला। तो अभी हम लोग हैं अमडेला, एक गांव है जो कि दानाकली डिप्रेशन का मेन गांव है ये, यहाँ पे ये मैं आपको बताता हूँ। और वो देखो सनराइज हो रहा है जबरदस्त वाला। अभी ये जगह है ना, ये दुनिया की सबसे हॉटेस्ट जगह है, और ये जगह सी लेवल से लगभग 120 से 130 मीटर नीचे है। अभी हम लोग सी लेवल से 120 से 130 मीटर नीचे हैं। हम लोग रात को वहाँ सो रहे थे, आप लोगों ने पिछले वाले व्लॉग में देखा होगा। अभी वो देखो उड़ी और गड्डी दोनों के दोनों अपना बैग पैक कर रहे हैं। तो सनराइज देखो, वो असाले लेक है। कल शाम को आप लोगों ने असाले लेक देखी होगी। असाले लेक हम लोग जहाँ सॉल्ट माइनिंग होती है ना, वहीं तक जाके आए थे। अंदर तक अंधेरा हो गया था, इसलिए हम लोग कल असाले लेक नहीं घूम पाए थे। आज हम लोग जा रहे हैं डालूल। और यहाँ पे हर जगह आपको ऐसे चेक पॉइंट मिलेंगे, चेक पोस्ट मिलेगा। ये अभी तो इसको रात को नीचे डाल रखा है, अभी थोड़ी देर बाद ये देखो ये बंदे सो रहे हैं, ये उठ जाएंगे और यहाँ पे चेक वो हर गाड़ी को चेक करेंगे, क्योंकि ये है जो यहाँ का सबसे डेंजरस प्लेस है। यहाँ पे हमेशा कॉन्फ्लिक्ट वार वगैरह चलता रहता है। हर बंदे के पास यहाँ पे राइफल मिलेगा आपको। और अब हम लोग आ गए यहाँ का जो मेन गाँव है। आप लोग यहाँ के लोगों की दिनचर्या लाइफ स्टाइल देख सकते हैं, कैसे यहाँ के लोग हैं। ये देखो यहाँ पे लोग सुबह सुबह भी सो ही रहे हैं सब लोग। और यहाँ के घर ऐसे लकड़ी से बनाए हुए घर होते हैं। यहाँ पे ये आपको ये टावर दिख रहा है, लेकिन मेरे समझ में नहीं आ रहा, यहाँ पे बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं आ रहा हमारे मोबाइल में। तीन दिन के लिए हम लोग है जो पूरी दुनिया से कटे हुए हैं, हमारे मोबाइल में कोई नेटवर्क नहीं है, किसी से बात नहीं कर सकते। और है जो इंटरनेट तो भूल ही जाओ, इंटरनेट तो बहुत दूर की बात है। कॉलिंग के लिए भी नेटवर्क नहीं है मोबाइल में। मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा ये लोग कैसे रहते होंगे यहाँ पे यार, कैसे यहाँ पे इन लोगों के लिए सर्वाइव करना कितना मुश्किल होता होगा। ये देखो यहाँ पे बाहर ही सोते हैं ये लोग। ये देखो छोटू बच्चे, हेलो हाय, बाहर ही सो रहे हैं ये, घर के अंदर नहीं सोते। बच्चे हैं जो अपने अपने काम में लगे हैं सुबह सुबह, सारे बच्चे हैं जो बस खेलने के लग गए हैं, बड़े हैं जो अभी सो ही रहे हैं, केवल बच्चे उठे हैं। व्हाट हैपेंड गैरी? आई लाइक द माउंटेंस। यू लाइक द माउंटेंस? या माउंटेंस लुकिंग वेरी गुड। वो थोड़ा सा इनका दिखा देता हूँ लाइफ स्टाइल। अरे यार ये बकरी को काट रहे हैं भाई, काट क्या रहे हैं, काट भी दिया इसको। हाय सलाम Udi, you want to eat? Not today. Not today. Why? Yeah, I think I've become vegetarian now. Oh my god. अब थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ। Hi. Hello. Hi. अभी ये देखो ये लोग सो ही रहे हैं। ये टंकी है, पानी का टंकी लगा रखा है इन लोगों ने। और ये सनराइज, क्या जबरदस्त सनराइज हो रहा है यार। अभी ये लोग उठ रहे हैं, अभी यहाँ से काफ़ी सारे लोग तो सॉल्ट माइनिंग के लिए जाएंगे। ये लोगों का मेन धंधा यहाँ पे सॉल्ट माइनिंग है। वो शाम पास में असाले लेक, असाले लेक सलाम, पास में ये जो असाले लेक है वहाँ से ये लोग सॉल्ट माइनिंग करने के लिए जाते हैं। और फिर ये लोग है जो सॉल्ट बाहर जैसे इथियोपिया के अदर पार्ट्स में बेचते हैं। पहले तो है जो यहाँ पे सॉल्ट है ना, जो उसी से ले जाया, ऊँट वगैरह इन्हीं से सॉल्ट वगैरह ले जाते थे। आजकल जो यहाँ पे ट्रक आते हैं सॉल्ट को लेने के लिए, बहुत सारे ट्रक आते हैं, क्योंकि अब कुछ ज़्यादा
बड़े स्तर पे लोग सॉल्ट माइनिंग करने लग गए। यहाँ पे अभी लोग सो रहे हैं। यहाँ पे हमारा जो सेफ है संते ने अभी हमारे लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया है। अभी हम लोग लेंगे ब्रेकफास्ट और उसके बाद हम लोग आएंगे दालूड। देखो यार, ये जो हमारा किचन है ना, वो कल रात को दिखाया था मैंने, पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, रात को अलग दिखाया था। हाय संते, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ऑमलेट, ऑमलेट, वेरी गुड, वेरी गुड। क्या ये हमारा सेफ है भाई? कल रात को हम लोगों ने यहीं पे खाना खाया था। यहाँ पे हमारी टेबल, डिनर टेबल जो अच्छी थी, और ये यहाँ पे खाना वाना बन रहा है। ये सारा सामान हमारी गाड़ी में ही आया है। ये संते जो हमारे लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर रहा है अभी। यहाँ पे यदि आप लोग आते हैं तो आप लोगों को सारा सामान साथ में लेके आना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलने वाला आप लोगों को, पूरा खाने पीने का सामान, सोने का, रहने का, सब जुगाड़ साथ में लाना पड़ेगा, वरना यहाँ पे आप लोग डिफिकल्टी में हो सकते हैं यदि आप लोग सामान नहीं लाते हैं तो। यहाँ पे लाइट वगैरह कुछ नहीं है। आप लोग ये सारे सिलेंडर वगैरह, हम लोग ये तेल, ये सिलेंडर, ये बर्तन वगैरह सब हम लोग है जो वहीं से लेके आए थे, समारा से। Oh, you started? Eggs, porridge, चपाती और पैनकेक। मजा आ गया ब्रेकफास्ट खा के। अभी हम लोग पहुंच गए हैं डालोल। डालोल एक काफी खूबसूरत जगह, मैं आपको दिखाने वाला हूं कि यहां पे आखिरकार जो लैंड है ना, वो रंग बिरंगी क्यों दिखती है। बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही खूबसूरत व्यू दिखता है यहां का। और ये है हमारी कार, हम लोगों ने यहां पे पार्क कर दी है। और ये है डालोल, आपको ये सामने दिख रहा है। अब यहाँ से हमें करनी है 25 मिनट लगभग 20-25 मिनट की हाइकिंग, और उसके बाद हम लोग पहुंचने वाले हैं डालोल के जो टॉप पॉइंट है वहां पे। और ये जो जगह है, अभी आप लोगों को बता दूं, ये है जो सी लेवल है ना, उससे लगभग 120-130 मीटर नीचे है। और आप लोगों को ये दिख रहा है ना, ये पूरा का पूरा सॉल्ट है। यहाँ से सॉल्ट माइनिंग की जाती है। यहाँ के लोग आएंगे, यहाँ पे सॉल्ट वोल्ट कलेक्ट करते हैं। देखो आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ, ये देखो, ये पूरा का पूरा सॉल्ट है। ये देखो, ये अभी आपको ब्राउन दिख रहा है, जैसे जैसे सन ऊपर आता जाएगा वैसे वैसे ये वाइट होता जाएगा। ये पूरा का पूरा जो आपको ये पिच दिख रहा है, मैदान दिख रहा है ना, ये पूरा का पूरा वाइट हो जाएगा कुछ ही देर में। अभी हम लोग हैं 125 मीटर सी लेवल से, वन ऑफ द लोएस्ट पॉइंट ऑन अर्थ। लोएस्ट पॉइंट है वो है डेड सी है, लगभग 450 मीटर के लगभग है, मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है कितना है, लेकिन ये है 125 मीटर है। यह आपको देखने से इतना लग रहा होगा कमजोर, लेकिन देखो मैं इस पे लात मारूंगा, टूटेगा नहीं, एकदम पत्थर पत्थर है। आपको देखने से ऐसे लग रहा है, ये पत्थर नहीं है वैसे, ये सॉल्ट है। आपको देखने से ऐसे लग रहा होगा कि मिट्टी है, ये सॉल्ट है। ये देखो पत्थर जैसा एकदम से वैसे कड़क। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे यार सॉल्ट माउंटेन, ये सॉल्ट माउंटेन है, पूरा का पूरा सॉल्ट से बना हुआ है ये टिल्ला। अब मिलने वाली है आपको जो खूबसूरत रंग बिरंगी जहाँ पे लैंड दिखती है, वहाँ पे हम लोग पहुँचने वाले हैं। वाव वाव,
जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं ना, वैसे वैसे यहाँ पे अमेजिंग अमेजिंग व्यू दिखता जा रहा है, जबरदस्त अल्टीमेट व्यू दिखता जा रहा है। देखो हम लोग उधर से चलते आ रहे हैं, अभी हम मैंने आप लोगों को ये जो सॉल्ट माउंटेन है ये दिखाए थे, अभी आ गए हैं सॉल्ट फ्लावर बोल सकते हो आप इनको, ये दिस लुक लाइक फ्लावर या फ्लावर, ये देखो भाई ये देखो, ये फ्लावर की तरह कमल की तरह दिख रहा है। You're moving. Yeah. Where are you moving? So everything is okay? Yeah, everything is okay. ऐसा फील हो रहा है जैसे कि हम लोग लैंड पर है नहीं, पृथ्वी पर है नहीं, ऐसे लग रहा है जैसे किसी अलग ही ग्रह पर आ गए हैं। जैसे वो मूवीज वगैरह पिक्चर वगैरह में दिखाते हैं ना मार्स वगैरह, ये वैसे लग रहा है। ये देखो यहाँ पे बेटर होगा यदि आप लोग कभी आते हैं ना तो ट्रैकिंग शूज़ लाएं, मेरे पास ट्रैकिंग शूज़ नहीं है, मेरे पास स्पोर्ट शूज़ है। स्पोर्ट शूज़ के अंदर ये ना ये देखो कितने नुकीले हैं, ये घुसने का चांस रहता है, ये बहुत नुकीले हैं। तो ट्रैकिंग शूज़ यदि आप कभी दानाकली डिप्रेशन को घूमने आते हैं ना तो ट्रैकिंग शूज़ ज़रूर लाना यहाँ पर घूमने के लिए, क्योंकि कल मेरा है ना जो पैर कट गया, मैं वो अभी आपको दिखाऊँगा। यहाँ पर एक पूल है छोटा सा, पाउंड टाइप का बना है, बिल्कुल डेजर्ट के बीच में। और आज की जो सबसे खूबसूरत जगह फाइनल डेस्टिनेशन थी ना, जिस जगह को देखने के लिए हम लोग 25-30 किलोमीटर की ड्राइव और हाइकिंग करके आए हैं, वो जगह की यहाँ से कुछ झलक कुछ ऐसी दिखती है। ये देखो वहाँ पे जो फायर है, आग है, आप लोग यदि ज़्यादा आगे जाते हैं ना तो अपने आप को खतरे में पाएंगे, इसलिए ज़्यादा आगे नहीं जाए, यहीं तक जाए, मैं वहीं तक जाके आ रहा हूँ। तो आइए आपको दिखाता हूँ ये मार्स जगह कैसी है। Yeah. Yes. Stop. Stop. So आप देख सकते हैं ये यहाँ पे शायद पत्थर टाइप का है, वैसे जितना खूबसूरत दिख रहा है ना उतना ही डेंजरस है। आप लोग जितना आगे ज्यादा जाओगे ना वहाँ पे आग जल रही है, अभी भी बहुत सालों से आग जलती आ रही है। सो वो आपको जो सामने दिख रहे हैं हॉट स्प्रिंग है, यहाँ पे बहुत सालों पहले एक्टिव वोल्केनो हुआ करते थे, वैसे अभी भी यहाँ पे एक्टिव वोल्केनो है। एक्टिव वोल्केनो मैं कल लेके चलूँगा आप लोगों को, आज इस वीडियो में मैं ये दिखाने आया हूँ आप लोगों को, ये हॉट स्प्रिंग है ना, ये दिखाने आया हूँ। यदि आप वो लोग वहाँ पे अपना हाथ डालते हैं तो विद इन वन मिनट आपका हाथ बिल्कुल स्वाहा। तो यहाँ पे जब भी आते हैं तो थोड़ा केयरफुल रहें। वो देखो वहाँ पे हॉट स्प्रिंग है और ये कलरफुल जगह, ये देखो यार क्या मतलब, इतनी ब्यूटीफुल जगह मैंने आज तक नहीं देखी मेरी जगह में, इतनी सुनसान जगह, इतनी ब्यूटीफुल जगह। बस जितनी ब्यूटीफुल दिख रही है ना उतनी ही ज़्यादा डेंजरस भी है ये। अभी जितना ज़्यादा हम लोग आगे आगे जाते जा रहे हैं ना उतनी ही ज़्यादा खूबसूरत खूबसूरत जगह है आती जा रही है यहाँ पर। और ये देखो यहाँ पे देखने से ऐसे लग रहा है कि ये जो वोल्केनो था ना, मतलब यहाँ पे कोई ज़्यादा पुराना नहीं है, यहाँ पे अभी का ही लावा हुआ जमा हुआ है, अभी कुछ लेटेस्ट का ही जमा हुआ लग रहा है मेरे को। यहाँ से बहुत खतरनाक ना, बहुत ही डरावनी आवाज़ आ रही है, रोम रोम वो आग जलने की सी आवाज़ आ रही है, बहुत ही डरावनी। लेके चलता हूँ देखे, ये आवाज़ आ रही है क्या आप लोगों को? ये आवाज़ आ रही है यहाँ पे अंदर ना, ये आवाज़ आ रही है जो यहाँ से अंदर से आ रही है, यहाँ पे अंदर ना लावा जल रहा है, लावा। भाई क्या ज़बरदस्त जगह है, देखो एक बार सुनो इस आवाज़ को, सुनो मैं उधर कैमरा कर रहा हूँ, एक बार आवाज़ को गौर से सुनो, यहाँ पे कुछ भी हो अल्लाह शोर शराबा नहीं है। सुनाई दे रहा है कुछ? एक बार सुनो, गौर से सुनो इस आवाज़ को, सुनाई दे रही होगी शायद आवाज़, अंदर से जो लावा उबल रहा है ना उसकी आवाज़ सुनाई दे रही होगी आप लोगों को, मुझे बहुत ही अच्छे से सुनाई दे रही है यहाँ पे। और अब आप लोगों को जो जगह लेके चल रहा हूँ ना यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, और जो जगह आप लोगों को देखने को मिलने वाली है वो एकदम अल्टीमेट है, बिल्कुल ब्यूटीफुल जगह। और एक बार फिर से कह रहा हूँ जितना ब्यूटीफुल है उतना ही डेंजरस है भाई, अल्टीमेट। ये देखो ये लावा बह रहा है यहाँ पे, दिस इज लावा, ओ माई गॉड। जिंदगी में पहली बार है ना जो ऐसी जगह को घूम रहा हूँ मैं, आप लोगों को थोड़ा सा दिखाता हूँ, ये थोड़ा सा डेंजरस है। या ये देखो ये है हॉट स्प्रिंग लावा,
यहाँ पे थोड़ा सा आगे जाना खतरे से खाली नहीं है। वो उधर देखो, उधर से स्मोक उड़ रहा है और ये इधर से ये लावा है जो उधर से बहता बहता यहाँ तक आ रहा है। यहाँ आते आते ये जम जाता है यहाँ पर, शायद ये ऐसे लग रहा है मुझे जम गया है। नहीं नहीं जमा नहीं है भाई, मैं सोच रहा था ये जमा हुआ है, लेकिन इसमें यदि आप पैर रख दो ना, ये देखो ये जो मच्छर जो इसमें जा रहे हैं ना, बस वो एक बार गए फिर वापस नहीं आ रहे हैं। इतनी जबरदस्त बू आ रही है ना, यहाँ पे ज्यादा देर रुकना ना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। मुझे यहाँ से जल्दी से थोड़ा सा साइड में जाना पड़ेगा। ये जितना खूबसूरत दिख रहा है ना उतना ही हानिकारक है अपनी सेहत के लिए, तो यहाँ पे ज़्यादा देर रुकना मैं नहीं समझता कि ठीक होगा। बाकी आप लोगों को थोड़ा सा दिखा देता हूँ, वो देखो पूरा का पूरा ये लावा उधर से जो हॉट स्प्रिंग है वो उधर से पूरी की पूरी बह के इधर आ रही है। Gary, how are you, my friend? I feel good because Trump is winning in the polls. You feel good? तो यहाँ का ये डालोल जो डिप्रेशन है, इसको डालोल डिप्रेशन बोलते हैं। बच्चे दानाकली डिप्रेशन के अंदर बहुत सारे हैं, असाले लेक, डालोल और अटाले लेक और जो वॉल्केनो है, वो बहुत सारे डिप्रेशन आते हैं इसके अंदर दानाकली डिप्रेशन के अंदर। तो ये भी एक दानाकली डिप्रेशन का है ना जो मेन अट्रैक्शन है ये भी। तो हम लोग यहाँ से जाते हैं क्योंकि यहाँ पे स्मोक है ना भाई, बहुत बुरी आ रही थी, बहुत टॉक्सिक स्मोक है। वैसे जितना ब्यूटीफुल दिख रहा है ना उतनी ही टॉक्सिक यहाँ की बुरी यहाँ की वो आ रही थी, स्मोक आ रही थी। तो हम लोग जा रहे हैं, वो गेरी अभी फोटो ही ले रहा है बस। यहाँ पे जो वॉल्केनो है ना बहुत सालों पहले एक्टिव थे, आज भी यहाँ पे तो है ना जो ये हॉट स्प्रिंग चल रही है। और अभी यहाँ पे जो एक्टिव वॉल्केनो है ना वहाँ पे हम लोग हैं जो कल मॉर्निंग में जाएंगे एक्टिव वॉल्केनो को देखने। अभी गेरी और गेरी उडी और सोलोमन वो गाइड वो अभी बहुत पीछे रह गए, और हमारी कार वो दिख रही होगी आप लोगों को, वो देखो वो उधर से वो रास्ता आ रहा है, वो हमारी कार वहाँ पे खड़ी है, हमें जाना है वहाँ पे। और आप लोग देखो अब यहाँ पे जैसे जैसे सन ऊपर आता जा रहा है वैसे वैसे यहाँ पे गर्मी जबरदस्त बढ़ती जा रही है। थोड़ी देर हम लोगों ने अच्छा किया कि हम लोग अर्ली मॉर्निंग यहाँ पे पहुँच गए थे, वरना दोपहर में तो यहाँ पे आप लोग झुलस जाओगे, इतनी गर्मी पड़ती है यहाँ पे। और ये भाई देखो यहाँ पे गार्ड लाना कंपलसरी है। यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट एरिया है ना तिग्राई रीजन में अभी वॉर चल रहा है, आप लोगों को पता होगा सिविल वॉर की कंडीशन बनी हुई है। ये यहाँ पे आर्म्ड गार्ड लाना कंपलसरी है, वरना यहाँ पे थोड़ा सा रिस्की एरिया है, इसलिए थोड़ा सा आर्म्ड गार्ड के साथ आना पड़ता है यहाँ पे। अभी हम लोग आए हैं जहाँ पे हॉट स्प्रिंग था ना, वहाँ से घूम फिर के और हम लोग इधर से आ गए। ये जो सोल्ट माउंटेन्स है ये आपको दिख रहे हैं, ये पूरे के पूरे सोल्ट माउंटेन्स है। हाय पापी, पापी पापी। और ये देखो ये पूरे के पूरे सोल्ट माउंटेन्स है, मैं आपको थोड़ा सा ऊपर चढ़ के बताता हूँ। अमेजिंग, दिस इज रियली गुड, दिस इज रियली गुड। ये देखो सोल्ट माउंटेन्स है, यू कैन स्पेंड होल लाइफ हियर, होल डे और होल लाइफ। गेरी है जो यहाँ पे पूरी लाइफ स्पेंड करने जा रहा है। So Solomon, how did they built? Maybe like before the, around here the volcano. Okay. And then the water gone and then like the region of volcano. Yeah. Okay. इतना गीला है, आप लोग इसको थोड़ा सा डिक करोगे, इसको थोड़ा सा खोदोगे ना तो यहाँ पे थोड़ी सी गहराई पे यहाँ पे आपको पानी मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे पास में जो असाले लेक है ना, कल रात को हम लोग गए थे, आप लोगों ने देखा होगा असाले लेक जो यहाँ से बहुत पास में ही है। पूरे पूरी की पूरी जो फॉर्मेशन स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, यहाँ पे बहुत सालों पहले वॉल्केनो हुआ करते थे, एक्टिव वॉल्केनो हुआ करते थे, तो तब ये फॉर्मेशन तैयार हो गई, लावा के ठंडे होने के बाद ये फॉर्मेशन तैयार हुई है। ये मतलब ये प्रोसेस होने में मिलियन साल लग जाते हैं, कई मिलियन साल लग जाते हैं ये पूरी की पूरी प्रोसेस होने में। मैंने मेरी लाइफ में कभी भी ऐसी जगह नहीं देखी है, पहली बार ऐसी जगह विजिट करने आया हूँ मैं मेरी लाइफ में। गेरी गो स्विम, यू आर स्विम लवर।
गेरी सो गाइज ये है हॉट स्प्रिंग है यहाँ पे देखो पूरा का पूरा ये आपको मिलेगा यहाँ पे ये भी यहाँ पे पूरा का पूरा सॉल्ट ये हॉट स्प्रिंग मैन अट्रैक्शन था ना वो था वहाँ पे वो जो कलरफुल जगह थी वहाँ पे और अभी एक जगह और लेके चल रहा हूँ वहाँ पे एक स्विमिंग पूल टाइप का बना हुआ है पूरे डेजर्ट के बीच में वहाँ पे और जो वो थे ही आप लोगों ने देखा ही होगा सॉल्ट माउंटेंस है वो भी देखा होगा आप लोगों ने और यहाँ पे ये है हॉट स्प्रिंग अल्टीमेट जगह है यहाँ पे यदि आप लोग घूमने आओगे ना तो मज़ा इतना आएगा जबर हर जगह ना आपको मतलब सरप्राइज करने वाली जगह घूमने को देखने को मिलेगी यहाँ पे और ये पूरा का पूरा डेजर्ट है आप लोग बजट अफोर्ड कर सकते हैं तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग इस जगह पे जरूर घूमने आए क्योंकि मैंने मेरी लाइफ में इससे खूबसूरत जगह मतलब ऐसे डेजर्ट में इससे खूबसूरत जगह आज तक नहीं देखी है तो आप लोग यदि चाहे आपका बजट आप लोगों को अलाउ करे तो आप लोग यहाँ घूमने आ सकते हैं ये दानाकिल डिप्रेशन में बहुत सारी जगह है अफार ये मैंने तो अफार रीजन में पड़ता है जो दानाकिल डिप्रेशन है ना ये अफार रीजन में पड़ता है इथियोपिया के अफार रीजन में यहाँ से जो जिबूटी वगैरह हो गया एरिटेरिया हो गया बहुत पास में यहाँ से सोमालीलैंड हो गया बहुत पास में है वैसे है थोड़ा सा रिस्की एरिया डेंजरस है यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट वगैरह हमेशा चलते रहते हैं अभी जो तिग्राई रीजन है वहाँ पे काफ़ी सालों से वॉर की सिचुएशन बनी हुई वो यहाँ से केवल 60 किलोमीटर दूर है बस तो गाइस आज का जो लास्ट पॉइंट है वो मैं दिखाने जा रहा हूँ आप लोगों को ये पिछले वाले वीडियो में भी देखा होगा आप लोगों ने ये देखो पूरा का पूरा डेजर्ट आसपास पूरा का पूरा डेजर्ट है और डेजर्ट के बीच में यहाँ पे आपको मिलेगा ये एक छोटा सा पूल यदि आप लोग इसमें तैरने जाते हैं तो आप लोग इसमें कभी डूब नहीं सकते क्योंकि ये पूरा का पूरा सॉल्टी वाटर है और सॉल्टी वाटर में आप लोग डूब नहीं सकते अब आप लोग देखो पूरा डेजर्ट है यार आसपास पूरा डेजर्ट है और डेजर्ट के बीच में छोटा सा पूल है कल रात को हम लोग आए थे यहाँ पे और कल रात को हम लोगों ने यहाँ पे स्विमिंग भी किया था लेकिन क्या है कि फिर से वही सॉल्टी वाटर में हो जाना वो चिपचिपा सा लगता है तो अब मैं तैरना नहीं चाहता गड़ी गो आई वॉन्ट टू रिकॉर्ड वन वीडियो I like this green. You want to go? Maybe, but I'm too hot now. Huh? Not hot. कल रात को मैं इसमें गया था मेरा पैर कट गया यदि आप लोग कभी ऐसी जगहों पे जाते हैं ना तो इनसे थोड़ा सा बच के रहना क्योंकि इनसे ना कर मेरा पैर बहुत ज़्यादा ब्लड निकला है ये इतने शार्प होते हैं पूछो मत लेकिन इसमें डूबोगे नहीं मेरे को स्विमिंग नहीं आता और देखो ये चुभ गया ना मेरे हाथ में So, everybody's okay? Rajasthan! Yay! The new Rajasthan! New Rajasthan! We have good dal here! Chapati, everything! Chapati! कभी भी दानाकिल डिप्रेशन आओ ना तो इसको मिस मत करना ये बहुत अच्छा अट्रैक्शन है दानाकिल डिप्रेशन का मुझे बहुत अच्छा लगा कल रात को मैं यहाँ पे आया था तो मैंने यहाँ पे स्विमिंग किया था तब स्विमिंग करने में जो मज़ा है ना मैं अब एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि गड्डी है जो दोबारा स्विमिंग करने जाए और मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँ नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम गड्डी दैट ही विल गो टू स्विम Naked. I want to make one video. Now I'll use my swim pants because this is audience all over the world. How warm is this? Very good. Not warm. Not so warm. Not so warm. If it was cold, I'll go right in, right now. Now your hand will be messy. Yeah. It will be salty. Yeah. Salty. Yeah, yeah. You can wash my other one. वो अंदर भी है ना जो इसके ऊपर बस ये परत जमी है ये सॉल्ट की परत जमी है आप लोगों को ये नीचे इसके नीचे कुछ नहीं आप लोग देखोगे वो वहाँ पे देखो कुछ भी नहीं है बस वो सॉल्ट की परत जमी है लेकिन ये टूट के नीचे नहीं गिरता अभी भी सोचने वाली बात है कि टूट के नीचे क्यों नहीं गिरता गड़ी गो प्लीज आई वॉन्ट टू रिकॉर्ड वन वीडियो If it wasn't so sharp, I would do it, but it's very sharp. I don't want to hurt my vital parts, you know? I need for more action. वो हमारा लड्डा है जो फिर से हो गया खचाड़ा वो देखो धक्का लगा रहे हैं
स्टार्ट गोट स्टार्ट ये कहीं भी अटक जाती है, कहीं भी रुक जाती है ये। सो अब हम लोग जा रहे हैं वापस से, हमारा जो नाइट में हम लोग जहाँ से निकले थे, हमारी कैंप साइड से जहाँ पे हम लोग सोए थे वहाँ पे वापस से निकल रहे हैं। ये जगह सबसे ब्यूटीफुल जगह है यार, पूरे डेजर्ट के बीच में ऐसी जगह देखने को नहीं मिलेगी, वो जो स्विमिंग पूल है ऐसा। सो गाइस, ये था इस वीडियो के बारे में। आप लोगों ने देखा होगा कि जो दुनिया की हॉटेस्ट जगह है, सबसे गर्म जगह है, वहाँ पे लोग कैसे सर्वाइव करते हैं, वहाँ पे क्या क्या है देखने के लिए, जो दानाकिल डिप्रेशन है। आज मैंने आप लोगों को दिखाया जो डलोल डिप्रेशन है वो। और इस वीडियो को ख़त्म करने का टाइम आ गया है, मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। मिलता हूँ फिर किसी एक नए वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना यार। और ये अपना इंस्टाग्राम आईडी और फेसबुक आईडी यहाँ भी फॉलो कर लिया आप लोग लेटेस्ट अपडेट के लिए। मिलते हैं फिर किसी एक नए वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।